Hello friends, my name is Rupinder Singh with 3 decades of experience in corporate leadership and entrepreneurship, still a kid at heart, never ready to give up, father of 2 college-going kids and married to a superwoman. I love challenges, travel and fun. Have fire in the belly and spread it around. एक चीज़ है जिसने ज़िंदगी में मुझे बहुत तंग किया और आज मैं वो सीक्रेट आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ. एक ऐसी चीज़ जिस पे अगर आप सही तरीके से काबू कर लो जिंदगी चेंज हो जाएगी. बिलीव माय वर्ड. सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड यू विल रियलाइज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. एक चीज जो हमें कभी नहीं आती या बहुत सारे लोगों को नहीं आती इज हाउ टू से नो. अब किस्सा कुछ ऐसा हुआ, यू नो, इन माय अर्लियर डेज ऑफ माय करियर मैं बहुत सारी चैलेंजेस लेता था. चैलेंजेस लेने में मजा आता. आई वॉज ए स्पोर्ट्स मैन, आई वॉज ऑल्सो टॉपर, सो आई यूज टू टेक लॉट ऑफ चैलेंजेस और वो चैलेंजेस पूरी हो जाती थी. जनरली मैं जीत जाता था, जनरली मैं टॉप कर जाता था, डिफिकल्ट चीजों से मैं भिड़ जाता था और हर बार तो कोई भी नहीं जीतता बट बहुत सारी चीजों में हो जाता था. उससे एक चीज बहुत बुरी हो गई, देन यू गेट इनटू ओवर कॉन्फिडेंस और वही मेरे साथ हुआ. मेरे में ओवर कॉन्फिडेंस आ गया. सो फिर क्या होने लगा, जब भी कोई कुछ भी कहता था माई रिप्लाई यूज टू बी श्योर हो जाएगा, कर दूंगा. एंड यू नो व्हाट हैपेंस, यू आर अननेसेसरी बिल्डिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल और जब वो एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी होती ना, आपकी इमेज डबल डाउन चली जाती है. प्लस यू नीड टू बी ट्रू टू योर सेल्फ. हर सारी चीजों को आप हां नहीं कह सकते लाइफ में. इवन इफ आपका कोई बहुत क्लोज है और उसको आपसे कोई मदद चाहिए और अगर आप नहीं कर सकते उस समय उसकी मदद, हां मत बोलिए, पहले ना बोलिए. अगर हो जाए तो जाके सरप्राइज दीजिए कि यार मैंने कोशिश करी और हो गया. लेकिन आप शुरू में बोल देंगे हाँ हो जाएगा, कोई नहीं, देखते हैं, कुछ करते हैं, इट साउंड्स गुड बट हिट्स यू वेरी हार्ड. सो मेरी लाइफ में अगर ये मैं चीज सीख लेता या बैलेंस रहता, I think I could have been much better. और मेरे मेंटोर ने भी मुझे यही सिखाया. He said, ना कहना सीखो. Exceed the expectations. छोटा बोलो, बड़ा करके दिखाओ. उल्टा नहीं करो कि बड़ा बोलो करके कुछ भी ना दिखाओ. Very important point is, आप हर चीज को दुनिया में हाँ नहीं कह सकते. बहुत सारी चीजें होंगी which will not be compatible with you, which is not falling in your area of एक्सपर्टीज और कॉम्पिटेंस. आप उन चीजों को भी हाँ करो, गलत है. आप सब लोगों को सब टाइम अपना नहीं दे सकते. सो यू हैव टू रियली प्रायोरिटाइज, यू हैव टू रियली चूज. इफ यू आर वेरी क्लियर इन प्रायोरिटाइजिंग कि क्या आप कर सकते हो और क्या आप नहीं कर सकते हो, अगर इस चीज को आप क्लियर हो माइंड में तो आप कर जाओगे जिस चीज को आप यस करोगे. लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू शुड एक्चुअली से नो. And this is one of the big mistake which I was doing in my life. मैं सबको हाँ कह देता था, मैं सब चैलेंज ले लेता था. अब कौन इंसान इंसान है, भगवान नहीं है. ये जो रिमोट है ना, ये ऊपर वाले के हाथ में है. आप सिर्फ एफर्ट कर सकते हो तो सिर्फ उतना प्रॉमिस करो जितना कर सकते हो. उस चीज को यस करो जिसको आप निभा सकते हो और उतनी ही चीजें लो जिसको आप बहुत अच्छे से शिद्दत के साथ यू कैन परफॉर्म. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. प्लीज से नो मोर ऑफन इन लाइफ. मेरी सबसे बड़ी गलती होती थी जब मुझे कोई भी कुछ बोलता था, यू नो मेरा पैट वर्ड क्या है, श्योर. कोई मैसेज आया, श्योर. किसी ने कुछ बोला, श्योर हो जाएगा, ओके. नो इट्स नॉट ओके एंड आई रियलाइज दिस लेटर ऑन. पीपल स्टार्टेड सेइंग यार तब तो तूने बोला था हो जाएगा, अब तुमसे हो नहीं रहा. अब मैं उनको क्या बताऊं कि मैंने कितनी चीजों को हो जाएगा बोल दिया. सो आई हैव लर्नड इट हार्ड वे एंड आई थिंक दिस टुडेज वीडियो आई ओ इट टू माय मेंटोर. शायद वो ये वीडियो देख रहे हो. सो ही ऑलवेज सेड दैट अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर और वो तभी हो पाएगा जब आप सोचोगे. हाँ या ना कहने से पहले सोचोगे. तो आप लोग भी सोच लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि बहुत सारा ऐसा यूजफुल इंफॉर्मेशन लाने वाला हूं जो आपको लाइफ में रियली हेल्प करेगी.
जो नहीं हो सकता ना ना बोल दो। नहीं आप अगर गेस्ट को उस टाइम पे अपने घर एंटरटेन कर सकते हो, आपके बच्चों के एग्जाम है, ना बोल दो बेटर है, बजाय इसके कि आप उनको हाँ बोलो एंड मोमेंट पे आप उनको अटेंड नहीं कर रहे हो ढंग से, बच्चों के भी एग्जाम खराब हो रहे हैं। सो ट्राई टू से नो व्हेन इट इज नो, यस मींस यस। देयर इज अ मूवी आल्सो जहां पे बोला था ना का मतलब ना, नो मींस नो, अमिताभ बच्चन ने बोला था उस मूवी में, वेरी पावरफुल वर्ड। लर्न सेइंग नो इन योर लाइफ। ऑल द वेरी बेस्ट।